हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम स्नेहा। तो आज मैं जा रही हूँ वृंदावन। तो कल दिल्ली से मैं आई थी हरियाणा, यहाँ मेरा घर है। तो यहाँ से अब मैं जा रही हूँ वृंदावन। तो अभी मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ। मैं, मेरा छोटा भाई, मामा पापा जा रहे हैं। तो अभी हम निकलने वाले हैं। वैसे हमारा प्लानिंग था कि हम सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे या 5 बजे, बट मैं उठी नहीं टाइम से। फिर मेरा भाई थोड़ा लेट उठा, इस चक्कर में हम दोनों ने लेट करा दिया और अब हम सुबह 7 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी जर्नी शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। श्री बांके बिहारी मंदिर, तो ये पहली जगह है जहाँ हम आए हैं। यहाँ से एंट्रेंस है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, बांके बिहारी। आज काफ़ी गर्मी है यहाँ पे और यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। मतलब आप कैप या फिर ग्लासेस कुछ भी नहीं पहन सकते हो। जैसे ही हम इंटर हुए, हमें बोला गया कि आप जल्दी से ग्लासेस उतार दो। और एक्चुअल में भाई ने ग्लासेस पहने हुए थे और बंदर एकदम उसके इधर पास आ गया था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा ग्लासेस छीनते हैं और फ़ोन्स छीन लेते हैं। तो मैं भी बहुत डरी हुई हूँ कि मेरा फ़ोन ना ले जाए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं पर फ़ोन निकालूँ मैं वीडियोज़ के लिए सिर्फ। तभी ये तो पहला जगह है, काफ़ी गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है। अभी देखते हैं ये दिन कैसा जाता है। आए हैं और वो था शीश महल, वहाँ से अंदर से देखते हुए अभी हम इस तरफ आए हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर और यहाँ बंदरों ने बहुत परेशान किया हुआ है। चलो अभी यहाँ पे हम खाने के लिए रुके हैं। ये है वृंदावन का यमुना घाट। कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ग्लासेस लेके और फ़ोन लेके भाग जाते हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी एक्चुअल में ब्रेक का टाइम हो गया है, 12 बजे या 1 के आसपास बंद हो जाती हैं सारी जो भी यहाँ की मंदिर हैं। तो सारे मंदिर के बंद होने की वजह से हमारा 3-4 घंटे का जो स्लॉट है, 4 घंटे के लिए सब कुछ बंद है, सारी मंदिर बंद है, तो हम फ्री हैं, तो इसलिए हम घाट पे आ गए। अदरवाइज़ घाट पे आने का वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था। तो अभी हम वो जो टाइम है उसमें कुछ खा रहे हैं या फिर हम कहीं चले जा रहे हैं, कभी घाट पे आ जा रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम निकल जाए। बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, इस मौसम में तो नहीं आना चाहिए, बट हम आ गए हैं। और इस मतलब इतनी गर्मी वाले टाइम में भी इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है कि मैं क्या बताऊँ। अभी हम यहाँ खाने आए, ये है प्रेम मंदिर और खुलते के साथ ही काफी क्राउड हो गया है। शाम के 4:30 हो रहा है और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि मुझे आँख खोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बट अभी तक का मुझे सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा जगह लगा वो है प्रेम मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। कैंटीन है, और यहाँ से आप राउंड ले सकते हो। मैं उस साइड से आई थी और मैं ऐसे राउंड लेके इस तरफ से आई हूँ। गर्मी से सब बहुत परेशान हो गए हैं और अभी जाके थोड़ी सी छाया हुई है। और अभी तक का सबसे अच्छा जगह जो है वो मैं प्रेम मंदिर लगा, प्लस ये काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे बंदर नहीं है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं था, मैं यहाँ पे एक क्लिप डाल दूँगी। मेरी मम्मा का एक बंदर ने आके ग्लासेस छीन लिया और उसको तोड़ भी दिया। हमने उसको फ्रूटी दिया, तब तक उसने वापस किया था, बट स्टिल वो तब तक टूट चुका था। तो अभी हम कैंटीन की तरफ जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। ये यहाँ का कैंटीन है प्रेम मंदिर के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी सही प्राइसेस में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। मैंने फूड तो ज़्यादा ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं खा चुकी हूँ, बट आइसक्रीम वगैरह मैंने ट्राई किया, ये सब सही था। यहाँ पे अभी हमने कुछ कुछ चीज़ें खाया पिया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। शाम को 5:30 बजे भी इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने यहाँ से लिया है प्रसाद, जो कि हम कुछ लोगों के लिए भी लिया है, खुद के लिए भी लिया है। और अभी एक फाउंटेन स्टार्ट हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ।
कर्टन्स लगे हुए हैं। अब हम निकल रहे हैं प्रेम मंदिर से और वृंदावन से भी। तो वैसे तो ये ट्रिप हमने 2 दिन का प्लान किया था, बट 1 दिन में ही सब हो गया, तो अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो अब बाय बाय करते हैं प्रेम मंदिर को, ये काफ़ी खूबसूरत लगा। और अगर आप वृंदावन आ रहे हो, आप कहीं अगर नहीं जाने का टाइम है, तो एटलीस्ट आप प्रेम मंदिर ज़रूर आओ, ये मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लगा। और 7:30 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ पे एक शो होता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी देख सकते हो।